हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। आज अजीब दास्तां। दो दिन से स्टोरी अपलोड नहीं हुई है। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी, बट तबीयत भी ठीक नहीं थी और माइंड भी ठीक नहीं था, तो इसलिए नहीं कर पाई। और अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ, बट हाँ, अभी स्टोरी आप लोगों को मैं सुना सकती हूँ। सो चलते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष आते हैं और वो श्रुति को हक करते हैं। पहले श्रुति हक नहीं कर रही होती है, लेकिन अक्ष उसको बहुत समझाते हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इस समय मुझे अपने साथ रहने दो, अपने पास रहने दो, इसके अलावा कुछ नहीं। और उसको टाइटली हक करते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि दोनों को सुकून मिलता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में बहुत टाइम बाद होते हैं। भले ही नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन प्यार का एहसास तो प्यार का ही होता है। सो वो ऐसे ही लेट जाते हैं और तभी इधर दादी जो होती है हमारी तूफानी एक्सप्रेस, वो हर्ष को बुलाते हैं, कहते हैं अरे हर्ष पिटवा जरा यहाँ आओ। तो वो जाते हैं, वो आते हैं, कहते हैं जी दादी देखो हम तुमको एक बात कह रहे हैं, तुमको चाहिए ना तुम्हारे भैया भाभी के बीच सब कुछ सही हो जाए, चाहिए कि ना ही चाहिए? तो कहते हैं हाँ क्यों नहीं चाहिए दादी, बिल्कुल चाहिए भैया भाभी के बीच सब कुछ सही हो जाए। फिर से भैया भाभी वैसे ही लड़ाई झगड़ा करने लगे और मुझे फिर से मज़ा आने लगे। कहते तुम तो ये लल्ला बहुत दुष्ट इंसान हो, भैया भाभी लड़े तो तुमको मज़ा आवत है। कह रहे नहीं दादी, भैया भाभी नोक झोंक करें तो हमका मज़ा आवत है, ये वाली लड़ाई में मज़ा ना आवत। तो दादी कहते अच्छा तो ठीक है, एक काम करो तुम। कहते हैं का दादी? कि तुम फ़ोन निकालो अपना। कि फ़ोन से का करना दादी? अरे तुम निकालो तो पहले इतना तुम सवाल करने लगते हो बच्चा, निकालो पहले तुम, हम तुमको बता ही रहे हैं ना का करना है का ना करना है। तो फ़ोन निकालते हैं और कहते हैं जी दादी, तो वो जोन जिसमें तुम वो लिखत हो ना और फिर यहाँ से भेज देते हो वहाँ पहुँच जाते है, वो करो कि यहाँ से लिखत है वहाँ भेज देते हैं। हाँ वो जो एक मिनट में पहुँच जाते है, सबका पता चल जाता है कि वो हमारी बात पढ़ा कि ना ही पढ़ा। कि अच्छा व्हाट्सअप करूँ कि हाँ वो है जो भी कहा था वो का वह करो? कि का करना क्या है दादी? चलो हम जो बतावत है वह तुम लिखो। तो कहते हैं ठीक है, और जैसे हम बतावें वही से लिखो। कि हाँ दादी। तो कहते हैं उसमें लिखो कि अक्ष बिटुआ श्रुति और तुम वहीं ऊपर रहना, नीचे अभी आने की कोनो ज़रूरत नहीं है, नीचे का काम हम सब लोग संभाल लेंगे, तुम अभी खाली श्रुति को संभालो, उसके पास रहो, और है उनको जो है उनसे कछु भी कहने की या उनसे माफ़ी मांगने की या उनको अपने प्यार का समझाने की कोनो ज़रूरत नहीं है, मुंह से बोलने की कोनो ज़रूरत नहीं है, उनका जौनों करना है अपनी हरकतों से करें, अपने जो है चीज़ों से उनको एहसास दिलाएं कि वो आपसे कितना प्यार करत हैं। कहते दादी ऐसे लिखे जैसे आप बोल रहे हो? कि हाँ बचवा जो बोल रहे हैं वही लिखो ना, कि करत हैं प्यार ऐसे लिखे। कहते अरे यार कतई लुल इंसान हो, हाँ हम तो समझे तो तुम अक्ष से ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान हो, मतलब बुद्धिमान इंसान हो, लेकिन अभी तो हमको लग रहा है कि हमारे दामाद जी ज़्यादा बुद्धिमान है, तुम तो लुल्ला इंसान हो। तो कहते कहा दादी आप भी? कहती और क्या, अरे हम ऐसे बोल रहे हैं काहे कि हमको यह भाषा आवत है, तुमने जैसे लिखना है अमरी बतिया को वैसे लिखो।
लिखो उसमें दादी बोल रही हैं, अब जैसे तुमको लिखना है वैसे लिखो। कहते अच्छा अच्छा, कहते कतई लुल इंसान हो, इतना समय हमारा बर्बाद कर दिए तो। कहते अच्छा दादी करना क्या था आपको? अरे हमको भजन सुनने थे, तुमने इतना टाइम में समय बर्बाद कर दिया हमारा, पूछ रहे हो ऐसे लिख के करत है मतलब हद ही करते हो बच्चों तुम। कहते अच्छा दादी हम लिख रहे हैं दादी लिख रहे हैं। तो फिर मैसेज टाइप करता है पूरा जो भी दादी ने कहा होता है और भेज देता है अक्ष के पास। अक्ष के फ़ोन पे बीप होती है तो फटाक से अपने फ़ोन के स्पीकर पे हाथ रखते हैं जिससे साउंड ज़्यादा ना हो और श्रुति उठ ना जाए, इसलिए वो फट जल्दी से जो है स्पीकर पे हाथ रख देते हैं। अब होता क्या है कि वो उठाते हैं अपना फ़ोन और देखते हैं उस मैसेज को, तो कहते हैं कि अब दादी कोशिश तो यही है कि हमारे साथ यहीं रहें। वो ऐसे मन में सोचते हैं अगर ये सोती रहेंगी तो यहीं रहेंगी और अगर जग गई तो मुश्किल काम है यहाँ रहना, चलिए देखते हैं। वो मैसेज पढ़ के फिर मैसेज में बस इतना टाइप कर देते हैं कि ओके ओके करके भेज देते हैं। तो दादी कहती हैं इधर से, अरे कौनो आया उधर से जवाब कि ना ही आया वहीं तक। तो कहते हैं कि आ गया दादी, कि कहाँ बोले हैं हमारे दामाद जी कि ओके बोले हैं। अच्छा ओके बोले हैं, हाँ चलो कर लेंगे, वो समझदार इंसान है। अब तुमसे बात करने के बाद लागत है कि वो समझदार इंसान है, नहीं तो हम उनको पहले से ही पागल घोषित कर दिए थे, चपड़ गंजू इंसान लागत रहे, अभी हमको अच्छे लगते हैं वो। तो वो हर्ष कहता अच्छा दादी जाऊँ कि हाँ जाओ, अब तुमको जो करना है जाके करो। तो वो वहाँ से उठ जाता है और जा देता है, वहाँ दोनों मोम जा बैठी होती हैं। कहते यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, दादी क्या क्या बोल देती हम लोगों को। वो देखता नहीं है कि श्रुति की मोम भी वहीं बैठी होती है। तो श्रुति की मोम पूछते हैं क्या बोल दिया बेटा, तो झुक जाते हैं। कहते हैं अरे मम्मी कुछ नहीं, वो बस कहते अरे मुझे पता है दादी बोल देते हैं। कहते हाँ ना मम्मी देखना भैया वगैरह, हम उनको चपड़ गंजू समझते थे। सब लोग हंसने लगते हैं। कहते अच्छा तो भैया को बोला इसलिए बुरा लग रहा है? कह रहे नहीं इसलिए बुरा नहीं लग रहा है, बुरा इसलिए लग रहा है कि कह रहे थे उनको हम चपड़ गंजू समझते थे, लेकिन अब तुमसे बात करने के बाद हमको एहसास हो रहा है कि हमारे दामाद जी सही हैं, समझदार इंसान है, तुम ही उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तो सब लोग और हंसने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि मम्मी कि हाँ अब आज का खाना तो दोपहर का आपको ही बनाना पड़ेगा। कि क्यों क्या हुआ? कि दादी ने ये मैसेज कराया है। वो बताते हैं सबको कि ये मैसेज कराया। तो लोग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम बना लेंगे, उन दोनों को वैसे भी वक्त चाहिए, जितना एक दूसरे के आसपास रहेंगे साथ रहेंगे उतना जल्दी उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा, दूर दूर भागेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो ऐसे बोलते हैं। तो कहते हैं वो मुझे नहीं पता, मुझे भूख लगी है, टाइम हो गया, मैं तो भाभी के भरोसे बैठा था इसलिए किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, बट अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो जाइए और कुछ बनाइए, हमको भूख लगी है। तो फिर वो लोग जाते हैं खाने पीने की तैयारी करने लगते हैं। इधर श्रुति लेटी रहती है, अक्ष वैसे ही उसको अपने ऊपर लेके लेटे रहते हैं और बार बार उसके बालों को सहला रहे होते हैं, उसको और ज़्यादा अपनी बाहों में जकड़ रहे होते हैं कि पता नहीं अब के बाद कब मिलेगी इसलिए। तो काफ़ी उनको भी सुकून मिल रहा होता है इस तरह से। तो काफ़ी टाइम बीत जाता है, इधर नीचे खाना भी बन जाता है, सब हो जाता है और श्रुति फिर उठती है, उसकी आँख सडन खुलती है,
और वो हड़बड़ा के उठने लगती है। तो वो अक्ष कहते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, सब ठीक है, क्या हो गया, इतना क्यों सोच रही हो। तो श्रुति अपने आप को संभालती है और फिर देखती है कि अक्ष की बाहों का घेरा उसके चारों तरफ होता है। तो कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ा सा मैं कुछ सोचने लगी थी सपने में। कहता, कोई सपना देख लिया है क्या? कि हाँ कोई सपना देख लिया था, छोड़िए मुझे खाना बनाना है। तो कहते हैं कि खाना तो बन चुका है। कहते, मैं इतनी देर तक सोती रह गई, खाना मम्मियों ने बनाया? कि हाँ बना लिया। यार मैं क्या करूँ मैं। कहते हैं श्रुति, सो के काम डाउन, बना लिया तो क्या हो गया, मैं इस घर की बहू हूँ, अगर आपको समझ में आए, मेरे रहते हुए मम्मियाँ काम करें, मैं यहाँ हूँ किस लिए? तो अक्ष कहते हैं, अच्छा तो आप यहाँ खाना बनाने के लिए आई हैं? अगर आपको यहाँ मैंने खाना बनाने के लिए लेके आना था तो फिर मुझे आपकी जगह एक कुक रख लेना था। घर के कामों की इतनी टेंशन मत लिया कीजिए, घर में सब हैं, सब लोग मिल के संभाल लेंगे, ठीक है? तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि खाना बनाना है घर की बहू। घर की बहू होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको यहाँ पे जो है खाना बनाने के लिए लेके आए हैं, आपकी और भी जिम्मेदारियाँ हैं। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब छोड़िए मुझे। तो अक्ष कहते हैं, अभी भी नाराज़? तो फिर वो चुप हो जाता है। श्रुति उनकी तरफ देखती है तो अक्ष कहते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है आप जाइए। और वहाँ से उठते हैं श्रुति और कहते हैं, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी दिस टाइम। तो अक्ष कोई जवाब नहीं देते, खाली हाँ में सर हिला देते हैं। श्रुति वहाँ से चली जाती हैं और अक्ष जो है वहीं बेड पर लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद उठते हैं और बाहर आते हैं नीचे और सबसे कहते हैं कि मैं जा रही हूँ, मैं शाम को लेट आऊँगी। तो सब पूछते हैं कहाँ, कि ऑफिस में थोड़ी देर के लिए बोल के आई थी। कहते हैं, अच्छा हम बेवकूफ़ हैं, इतनी देर से तुम घर में हो, तुम थोड़ी देर के लिए बोल के आई थी और अब ऑफ होने वाला है, कौन सा ऑफिस चलेगा? कि मैंने अपना ओवर टाइम कर रखा है तो मैं रात को लेट आऊँगी। तो श्रुति उनकी तरफ देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। फिर अक्ष वहाँ से चले जाते हैं। खैर वो ऑफिस तो नहीं जाते हैं, वो जाके अपने फ्रेंड सना और अनायशा के घर बैठते हैं। सना अनायशा उनसे कहते हैं कि क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो और इस टाइम यहाँ? तुम तो श्रुति को छोड़ के एक मिनट इधर उधर नहीं होते, फिर आज यहाँ कैसे? सना उनसे ये सब पूछ रही होती है तभी अनायशा वहाँ जाती है। तो अनायशा कहती है, अरे अक्ष आप श्रुति को नहीं लाए? कि नहीं भाभी। तो सना कहती है कि इन दोनों के बीच कुछ ठीक ही नहीं चल रहा है। कहती हैं, आपको कैसे पता? कि तुम्हें लगता है अक्ष जो है श्रुति को छोड़ के यहाँ हमारे पास होगी इस टाइम पे? तो अनायशा कहती है, हाँ ये बात भी ठीक है, क्या बात हो गई अक्ष? कहते हैं, कुछ नहीं भाभी सब ठीक है। कि बताओ क्या बात है? नहीं भाभी कुछ नहीं है। कहते हैं, बताना है या नहीं है? तो फिर वो सारी बात बताते हैं कि कैसे उसने मेरा लुक चेंज किया, वो तो आप लोगों को पता है, देन उसका वो रोमांटिक बिहेवियर, फिर कई दिनों से चीज़ें मैं सोच रही थी और सडन मैं एक दिन ऑफिस में सबने पूछा श्रुति कैसी है, तो फिर सबके जाने के बाद मेरे कलीग है, आपको तो पता है ना रचना, कि हाँ कि उसने पूछा कि क्या बात है आजकल बहुत डिस्टर्ब, और मैं बहुत ज़्यादा उस समय सच में डिस्टर्ब थे और दादी के डिमांड्स, दादी की बातें, श्रुति का इस तरह का बिहेवियर, सबने मेरे दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पका ली थी और मैंने उसे बताया। कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में पहले से चल रही थी और कुछ पे उसने स्टैंप लगा के वो मेरे दिमाग में ऐसा हो गया कि हाँ यही सब सही है जो मैं सोच रही हूँ। मैंने उसके आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा, अपने पास्ट की चीज़ों को याद नहीं किया, श्रुति के और बिहेवियर्स को याद नहीं किया और जाके उससे इस तरह की बातें कर दी।
तो जैसे ही अनायशा ये सब सुनती है उसे तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, तुम किसी लड़की के प्यार पे इस तरह से उंगली कैसे उठा सकते हो, वो भी इतनी सी बात के लिए। अरे भाई कोई भी किसी भी लुक में किसी पे ज़्यादा प्यार आ सकता है, तुम्हें भी श्रुति के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है जब वो अपनी ड्रेसेस बदलती है, जबकि तुम्हें साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अक्ष कहता है भाभी मुझे पता है, मैं ऑलरेडी उस चीज़ को समझ चुकी हूँ और मैं बहुत रिग्रेट में हूँ, मुझे सच में अपनी इस हरकत का बहुत अफसोस है, बहुत ज़्यादा, बट क्या करूँ, हो गया अब जो होना था, सर फोड़ दूँ अपना, क्या करूँ क्या, आप जो बताओ वही कर लूँ। तो ना ऐसा कहते हैं कि ये देखो अक्ष, तुम्हारा काम है अपने प्यार का एहसास कराना, माफ़ करना ना करना ये श्रुति के हाथ में, और जब तक उसके दिल से चीज़ें नहीं निकलेंगी वो माफ़ नहीं कर पाएगी। सबके कहने पे, तुम्हारे तबीयत को ध्यान में रखते हुए, तुम्हारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, भले ही वो कुछ कह दे, भले ही वो फिर कह दे कि हाँ ठीक है मैं सब भूल गई हूँ और सब सही है, लेकिन उसके अंदर चीज़ें चलती रहेंगी और हमेशा चलती रहेंगी। तो तुम्हें उन चीज़ों को बाहर लाना है और अपना रिश्ता फिर से वैसा ही बनाना है। कहते हैं जी भाभी, कहते हैं तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, कि नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है सब ठीक है, कि अक्ष मैं तुम्हें अब से नहीं जानती, बहुत टाइम से जानती हूँ, तुम्हारी शक्ल देख के बता सकती हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं है। सना कहती है अरे मुझे तो नहीं पता चला, कहते हैं क्योंकि तुम बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम लोग एक दूसरे का दर्द कहाँ देखते हो, खाली एक दूसरे को दर्द देने की कोशिश करते रहते हो। कहते बेस्ट फ्रेंड है यार हम, हाँ तो कहती हाँ बेस्ट फ्रेंड हो, जब दर्द पता चलता है ना तब तुम लोगों को दर्द होता है, तुम लोगों को अपने आप दर्द नहीं दिखता एक दूसरे का। तो दोनों हंसने लगते हैं। अक्ष कहते हैं ठीक है भाभी मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर भी जाना है। कहते हैं इस टाइम कहाँ जाना है हा? तो कहते हैं कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ा सा इधर उधर, घर जाने का मन नहीं करता, श्रुति का वो बिहेवियर, वो चीज़ें मुझे बहुत कचोटती हैं, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है ना, मुझे पता है कि मेरी तकलीफ़ से ज़्यादा श्रुति को तकलीफ़ होती है, लेकिन मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है उसके इस बिहेवियर से, उनकी उसकी बात करने के तरीके से। मैं अपनी पुरानी श्रुति को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, पता नहीं कब वो श्रुति वापस आएगी, आके मुझे धक्का देगी, मेरा कॉलर पकड़ेगी, मुझ पे हक जताएगी, मुझे हर चीज़ के लिए मना करेगी, रोकेगी टोकेगी, यहाँ नहीं जाना, इससे बात नहीं करनी, वो नहीं करना, कब मेरा पर्स फिर से अपने आप उठा के उसमें से चुपचाप पैसे निकालेगी। सब बंद हो गया है भाभी, सब। आई मिस दैट, आई मिस माई श्रुति, ये कह के अक्ष वहाँ से खड़े होने लगते हैं, तभी उन्हें चक्कर आने लगते हैं। तो सना उसे एकदम से पकड़ती है और बैठाती है, कहती पागल है क्या, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है, श्रुति तेरी और तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, श्रुति तुझसे बहुत प्यार करती है और ये हम सबको पता है और हमसे ज़्यादा तुझे पता है, तो ये पता है यार, पता है मुझे, लेकिन श्रुति को इस समय जो नाराज़गी है, गुस्सा है, उसने मेरे दिल में एक डर बैठा दिया है कि कहीं वो इस हद तक परेशान ना हो जाए, मेरी बातों से इस हद तक ना परेशान कर दे कि वो मुझे छोड़ के चली जाए। अनायशा कहती है, बैठती है वहाँ पे उसके कदमों में और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है अक्ष इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो। तो अक्ष उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं जी भाभी, कि श्रुति प्यार करती है तुमसे, बहुत प्यार करती है, मुझे ये बातें दोहरानी नहीं चाहिए, लेकिन पास्ट में इतना सब कुछ हुआ है ना, श्रुति तब तुम्हें छोड़ के नहीं गई तो अब क्या जाएगी। तो अक्ष कहते हैं भाभी तब की बात अलग थी, तब उसे उम्मीद नहीं थी मुझसे किसी भी चीज़ की,
तब वो बिना उम्मीद के सब कुछ किए जा रही थी। अगर उसे मेरा थोड़ा सा भी प्यार मिलता ना तो उसी में खुश हो जाती थी। लेकिन भाभी अब चीज़ें अलग हैं, उसे मुझ पर पूरा ट्रस्ट था, पूरी उम्मीदें थी। मैंने उसकी उम्मीदों के साथ साथ उसका भरोसा भी तोड़ा, उसके ऊपर ऐसे ऐसे सवाल किए, उसको ये बोला कि तुम किसी और के साथ। भाभी उसे ये बातें सबसे ज़्यादा बुरी लगी है, कहता तब भी वो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसके दिल के कोने में कहीं ना कहीं उसे ये बात पता है कि आपने जो बोला है वो सब गुस्से में बोला है। बस वो बातें उसे चुभ गई हैं कि आप उसे किसी और के साथ जाने के लिए कैसे कह सकते हो। बट कहीं ना कहीं वो ये भी जानते हैं कि आप उसे बहुत प्यार करते हो, तो वो भी उलझन में है। वो आपको माफ़ करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है, आपके करीब आना चाहती है लेकिन आ नहीं पा रही है, उन बातों को बुलाना चाहती है लेकिन बुला नहीं पा रही है। और उसे थोड़ा सा वक्त दो, बस उसे अपने प्यार का एहसास करो, अपने प्यार की बारिश उस पर रोज़ करते रहो, कुछ ऐसा करते रहो कि उसे एहसास होता रहे। लेकिन हाँ, महंगा रेस्टोरेंट, महंगे गिफ्ट्स, ये सब नहीं, कुछ ऐसा करो जिससे लगे कि तुम उसकी फिक्र करते हो, कुछ ऐसा करो जिससे उसे लगे कि वो किसी और से जुड़ेगी तो आपको तकलीफ होगी, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अक्ष कहते हैं थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। तो वो कहते हैं अब इसमें थैंक यू मत बोलो तुम मुझे, जस्ट चिल करो, और तुम्हें जो फीवर हो रहा है ना इसकी मैं मेडिसिन दे रही हूँ और खा लो। सना कहती है इसे फीवर है कि हाँ, मैंने जब हाथ पकड़ा था तभी मुझे पता चल गया था, और थोड़ा बहुत फीवर नहीं, फीवर बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो लाती हैं वहाँ से थर्मामीटर और उसका फीवर चेक करती हैं, तो अक्ष को काफ़ी तेज़ फीवर होता है, तो दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं, उसको वहीं लटाते हैं। अनायशा उसके सर पे ठंडी पट्टी रखने लगती है और मेडिसिन देती है। अक्ष 5-10 मिनट लेटे रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाभी मुझे घर जाना है, काफ़ी लेट हो गया है। तो कहते हैं कि कहीं लेट नहीं हुआ है, अभी रात का डिनर बाकी है, तुम दोपहर में आए हो, दोपहर का खाना छोड़ के। कहते हैं नहीं, फिर श्रुति कहेगी कि वो माफ़ नहीं कर रही, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर के बाहर टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं सोचेगी, मैंने उसे मैसेज कर दिया कि आप हमारे साथ हो। तो फिर ये कह के उसे रोक लेते हैं, और फिर अनायसा सना को बोलते हैं कि पट्टियाँ चेंज करते रहो आप, और इन्हें सुला दो, मैं रात के डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो फिर सना बोलती है कि ठीक है तुम जाओ, वो पट्टियाँ चेंज करने लगती है और अक्ष से बातें करने लगती है, अपने पुराने फ्रेंडशिप की, पुराने डेज की, वो लोग क्या क्या करते थे, जिससे अक्ष का दिमाग थोड़ा सा शांत रहे, क्योंकि तकलीफ़ तो उन्हें भी बहुत हो रही थी। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, श्रुति को अक्ष कैसे मनाएंगे, अक्ष की तबीयत कैसे ठीक होगी, कहीं इनकी तबीयत और तो नहीं बिगड़ जाएगी। अब ये सब तो हम कल के पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइस, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस। आज मैं दिल से इस बात को कह रही हूँ, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू, बाय बाय।